मुझे किस तरह के लड़के पसंद है, तो मैंने कहा कि मुझे अमीर सादे पसंद है, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, मेरी तरह का हो, कैसा चाहती हो जी आप? बिल्कुल मेरी तरह का हो, जो मेरी तरह सोचे, मेरी तरह हर चीज करे, मेरी तरह ही बोलता हो, हर चीज मेरी तरह करे। तो कुछ करना चाहिए आजकल। चलें फिर मिलके कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब आपके? मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त इमरान अली, होम एंटरटेनमेंट में खट्टा मीठा प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ मशहूर है, मशहूर टिकटॉकर है जमाना रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जिनका नाम है आशी रानी। आइए चलते हैं उनसे बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जनाब अल्लाह का शुक्र आपने टाइम दे दिया हमें, बस आपने बुलाया तो मुझे आना पड़ गया। हाय हाय, कहाँ थी आप इतने जमाने से, कितने फोन कितने मैसेज, कोई रब्ता नहीं। बस मैं क्या करूँ, मुझे कभी इधर कभी उधर तो फुर्सत ही नहीं मिलती, वो तो आपने इतना इंसिस्ट किया तो मुझे आना पड़ गया। कुछ करे ना, देखें आपके लिए मैं क्या करूँ, कुछ करे ना, करने का तो बहुत दिल कर रहा है, कुछ करे। अच्छा जैसे कि? जैसे कि टिकटॉक बनाते हैं। हाँ, वो तो मैं बना ही रही हूँ। अच्छा, क्या आजकल कहाँ मशरूफ है आप? कहीं भी नहीं, बस वीडियोज वगैरह बनाती हूँ, उसके अलावा ऐसे घूमना फिरना और कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं, कुछ करना चाहिए आजकल। चलें फिर मिलके कर लेते हैं। हाँ ये बात भी सही है। एक मेरा एक आ रहा है प्रोग्राम में बना रहा हूँ, तो उसमें आप हमारे साथ आ जाइएगा। या श्योर ऑफ कोर्स, इस तरह मैं आपके साथ मिल भी लिया करूँगी, जो आप बार बार मुझे कहते हैं कि मिलना है या बातचीत करनी है, उसका भी सीन नहीं है। ऐसे हमें कौन इज्जत देता है, ये जितनी भी इज्जत है ना ये यहाँ पर है, दरवाजे से बाहर जो जाती है तो कहती है कौन है भाई, ऐसे वो बंदे ना मिल रहा है, फिर तो ऐसी बातें होती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो अगर मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली आप दरवाजे से बाहर होंगे या अंदर होंगे तो आपको वही हिसाब रहेगा। पक्की बात है। ऑब्वियसली। नहीं हंसने का क्या मतलब है? हंसने मतलब ये है कि मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ दिल से, मतलब हमारी बातों को एंजॉय कर रही है। चले अच्छा, कैसे स्टार्ट किया आपने? फन की बुलंदियों को आप छू चुकी हैं काफी, मैंने आपकी आईडी खुद सर्च करी है, 90K था उस वक्त आपका जी, और माशाल्लाह से टैलेंट भी है आप। वैसे टैलेंट है क्या, मुझे आप अपना टैलेंट बताएं। टैलेंट मेरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देती हूँ, मेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं। किस चीज़ के एक्सप्रेशन? जिस भी चीज़ की हो, कोई भी वीडियो तो मैं उस पर ज़्यादा एक्सप्रेशन की मेहनत करती हूँ, बाकी कोई ऐसी मेरी वीडियो में वो नहीं होते, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी 90K पे, मतलब उससे ज़्यादा हो जाता, लेकिन अल्लाह जाने मतलब इनको क्या प्रॉब्लम होती है, जो बंदा ऊपर जाने वाला होता है उसको फ़ौरन से नीचे आईडी बैन कर देते हैं, मतलब ये क्या है यार, ऊपर जाना नीचे जाना, लेकिन ऊपर नीचे के बगैर तो मैडम काम होगा नहीं ना, वो जैसे हम वो लूडो खेलते हैं यूं जा रहा होता है तो, फिर वो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, मतलब एकदम से मैं ऊपर जाती की जाती की, मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होगी जो मतलब मिलियन पे चलेगी। अच्छा, और उसके बाद फिर ऐसे फिर कैसे फिर नीचे फिर नीचे फिर आईडी बैंड होगी फिर ऊपर अभी फिर दोबारा से स्टार्ट लिया तो फिर नीचे मतलब ऊपर नीचे का एक आपकी जिंदगी में ऊपर नीचे का बहुत अमल दखल हो गया, तो अब ऊपर या नीचे का या सेंटर में? अभी मैं फिलहाल सेंटर में हूँ। हाँ ये चीज भी अच्छी है, सेंटर में भी ठीक है, मजा आता। एनीवे अच्छा, आपकी एक वीडियो बड़ी प्यारी थी, बड़ी वायरल हुई, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वीडियो, जिसमें आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको किस तरह के लड़के जो है वो अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसा सवाल था शायद। हाँ जी, तो वो उधर बताइएगा क्या था वो सवाल, क्या था उसका? वो सवाल ये था कि मुझे किस तरह के लड़के पसंद है, तो मैंने कहा कि मुझे अमीर सादे पसंद है, इस तरह का सवाल है। मतलब जिसका नाम अमीर ज्यादा होगा तो वो आपको पसंद होगा? नहीं, जिसके पास एवरीथिंग सब कुछ होगा, एवरीथिंग से मतलब गाड़ी, गाड़ी बैलेंस, बैंक बैलेंस, हर चीज जिसके पास होगी, मतलब जाहिर है फुल प्रोटोकॉल से देगा ना बंदा, अब ये थोड़ी है कि मैं किसी के साथ भी, तो वो उस तरह का सवाल था। तो मतलब मैं फिर ना ही समझूं? आप तो माशाल्लाह से काफी कुछ है, आपके पास तो गाड़ी शाड़ी भी है। मतलब मेरे चांसेस बन सकते हैं 50-50। चलो देख लेते हैं जी कि कहां तक है 50-50। अच्छा फ्यूचर प्लान क्या, कहां तक जाना चाहती हो? बहुत आगे तक। मतलब कितने का आगे जाना चाहती हूँ? इतने आगे तक कि मुझे कोई पकड़ ना सके। तो ठीक है, एक दो चोरियां कर लो, पीछे पीछे पुलिस होगी, आगे आगे आप हो ना फिर। नहीं नहीं, मैं दूसरी तरह आगे जाना चाहती हूँ। दूसरी क्या, वो सली लियोन की तरह? हाँ मैं नॉर्मल आगे जाना चाहती हूँ। तो क्या अब नॉर्मल आगे जाते हैं क्या? जाहिर है पागल हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं पीछे सारे लोग, मैं नॉर्मली आगे आगे जाना चाहती हूँ, मतलब हर बंदा मेरा फैन, मतलब आप आगे हो और आपके पीछे लाइन लगी हो। हाँ ये चीज। अच्छा कहाँ तक जाना चाहती हो जरा बताओ? बहुत दूर तक। आगे जब थकोगी फिर तुम्हें घर जरूरत होगी, घर में कमरा होता है, कमरे में बेड होता है, बेड पे फिर लेट जाओगी तो सोना ही है ना, क्या है? और वो जो पीछे आ रहे हैं वो क्या करेंगे? वो
कुंडी लगी होगी तो अंदर तो नहीं आ सकेंगे ना। नहीं, इतने लोगों की कुंडी का तो पता ही चलता, दरवाजे टूट जाते हैं। नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ऊपर जाऊंगी लेकिन अपने घर तक का रास्ता ऊपर जाऊंगी फिर नीचे आ जाऊंगी। चलें जी, ये तो ऊपर नीचे की बातें होगी। अच्छा, पकाने वकाने का क्या, कुछ पका भी लेती हो या सिर्फ ऊपर नीचे का? बहुत अच्छा, बंदे को पका लेती हो क्या? बहुत अच्छा। Obviously, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? सालन, हांडी, क्यों, मटर, टिंडे, पकोड़े, वो तो मेरी दूर दूर से समझ में ही नहीं आता है कि डालना क्या है, निकालना क्या। नहीं नहीं मैडम, वो आपका काम नहीं है डालना निकालना। I mean to say के, मतलब वो उनका काम है जो हंडिया पकाते हैं, उन्हें पता कितना नमक कितना पावर। मैं भी यही कह रही हूँ, ये मुझे नहीं पता होता ना तो फिर क्या करने हांडी के साथ, मुझे कोई नहीं पता। बस तो फिर क्या, किसके साथ क्या करते हैं हांडी के साथ, तो मुझे उसका कोई सीन नहीं। दोबारा कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा, क्या किया था आपने अभी? हांडी का सीन। पढ़ा करने का एक्सपीरियंस है आपको माशाल्लाह से। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 20। रातें निकाल के? जी बिल्कुल। तो वैसे 40 आपकी? नहीं नहीं जी जी, मेरी 20 ही है। नहीं वो तो ठीक है 20 है, लेकिन इसमें रातें नजर नहीं आ रही मुझे। क्यों, आप टोटल देखे ना? मैं टोटली देख रहा हूँ। कमाल, इतनी बड़ी एज की लड़की है। नहीं वो हरकतों से लग रही है, एज वैसे आपकी ठीक है। हाँ हाँ, ऐसी कौन सी हरकत की है मैंने? नहीं मैं उस, आप बहुत आगे चली जाती हैं, इतना आगे ना जाएं आप। अच्छा, पहनने में क्या पहनावा आपको कैसा, किस तरह का अच्छा लगता है? सिंपल ड्रेसिंग। तो मैंने कौन सा डिस्को ड्रेस का कहा है, मतलब है कि किस तरह का? शलवार कमीज, पैंट शर्ट, टी शर्ट, शलवार ट्राउजर, वो कभी कभी मतलब जब घूमने वगैरह जाऊँ इस तरह। ट्राउजर पहन लेती हूँ? नहीं, फिर पैंट शर्ट पहन लेती हूँ। वजह? लोगों से डर लगता है? नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ पैंट में। हाँ। तो चिपकी होती है ऐसे, जैसे बंदा लगता है कि साथ नहीं घूमने फिरने जाऊँ, फिर इजी रहती हूँ ना, चलो बंदा कंफर्टेबल है। तो वैसे जो है इसी ड्रेसिंग में। किस ड्रेस में? ये फ्रॉक हो गया और नीचे शर्ट। अभी तो आपने माशाल्लाह से फ्रॉक नहीं पहना हुआ। ये फ्रॉक पहना हुआ है मैंने। मैं गहराई से देखता नहीं हूँ ना, आप देखा करें ना, शरीफ बच्चों तो अभी फिर कीड़े फंस जा, पग भी लेता फिर। अच्छा, उसके अलावा आपकी और आईडी कहाँ पे है टिकटॉक के अलावा? टिकटॉक के अलावा मेरी आईडी जो है वो स्नैप पे भी है। अच्छा माशाल्लाह, स्नैप को भी आपने रगड़ा दिया हुआ है? उसको भी किया हुआ है, और स्नैप पे भी है, लाइकी पे भी है। अच्छा लाइकी पे भी है? हाँ, मतलब रात की रानी हो फिर आप? कुछ ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, फिर तो बीगो की भी शहजादी हो? हाँ बीगो भी ज्वाइन किया हुआ है। ओह माय गॉड, यानी कि कोई रात खाली नहीं जाती आपकी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिन दिन को सब कुछ कर लेती हूँ। तो रात में? रात में तो सोना होता है ना, मतलब थक भी जाता है। नहीं, वो तो वो सोते हैं ना जो 40 से प्लस है। नहीं नहीं, मैं दिन को अपने काम सारे कर लेती हूँ, रात में सो जाती हूँ। दिन में कौन से काम होते हैं? जैसे कि ये सारे ऐप्स को टाइम भी तो देना होता है ना, ऐसे तो नहीं चलते। अच्छा, खाने पीने का क्या? खाने पीने का मतलब, दिन सारा बीगो में बैठी हो, दाइकी पे बैठी हो, तो खाती तो हूँ ना साथ साथ कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं। क्या खा रही होती हो साथ साथ? जो भी मिलता ताजा, ताजा ताजा जो भी आ जाए अंदर करो। नहीं, मतलब कुछ जो भी बनता है बस खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया। शादी के क्या प्लान है आपके? अभी तक तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। मिला नहीं है या प्लान नहीं है? प्लान ही नहीं है मेरा। कोई मिला है? अपने स्टैंडर्ड का नहीं मिला। क्या आप स्टैंडर्ड बैंक में होती है? मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, मेरी तरह का हो। कैसा चाहती हो जी आप? बिल्कुल मेरी तरह का हो, जो मेरी तरह सोचे, मेरी तरह हर चीज करे, मेरी तरह ही बोलता हो, हर चीज मेरी तरह करे। तो नहीं मैडम, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, या पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। You mean to say I am negative? No, I mean you female. तो फीमेल के साथ फीमेल की शादी हो नहीं सकती, तो इसलिए मेल चाहिए होता है। वो मेरा मतलब नहीं है, मतलब उसकी आदतें मेरी तरह हो। तो बकाया फंक्शन? फंक्शन उसके सारे अपने होंगे तो काम चलेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि। अच्छा चले, सही हो गया। शादी का फिलहाल आपका कोई प्लान नहीं है? क्या प्लान है, क्या करना चाह रही हो आगे? अभी तो फिलहाल ये है कि अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करनी है, बहुत ज़्यादा, ताकि मुझे बाद में कोई अरमान न रहे कि मैंने कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में छोड़ दी है। ताकि वो कहते हैं दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। बच्चे कितने होने चाहिए? बच्चे कम से कम 5-6 होने चाहिए। अच्छा मैडम, आजकल जो है ना वो हर आदमी डालडा, वनस्पति घी, ठीक है, और ये बाजारी शवारमे शवूरमे, ये आप बात कर रही हैं आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, देसी घी, घर की रोटी, मक्की की रोटी। मिल जाएगा ना, कोई गांव वाला ढूंढ लूंगी। एक पास से वो कह रही है कि मैं रुपये वाला चाहिए, तो गांव वाला होगा, उसके पास भैंसे वैसे होंगी, गाड़ी भी होगा, घर भी होगा, दूध भी घर का, हर चीज, मतलब चौधरी ये चीज। कोई चौधरी साहब हो गए तो रबता करे साढ़े ना, साढ़े को सामी खा ली। अच्छा
उसके अलावा ये बताइए कि आपने कोई जॉब वगैरह की या उसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी की? क्या जॉब की हुई है? मैंने गुलशनबाद में जॉब की हुई है, मतलब सारा डाटा वगैरह वहाँ का मेरे पास होता था, हाउसिंग का कट्टा छट्टा आपके पास होता था उसका? ऐसा था। अच्छा, क्या मतलब आप क्या कहना चाहती हो? वहाँ का सारा रिकॉर्ड मेरे पास होता था ना, किसी भी घर में मतलब प्लॉट शिफ्ट। अच्छा, मैं समझा बंदे के रिकॉर्ड होते थे कि बंदा ठीक है, बंदा गलत है, करप्ट है, नहीं करप्ट है। अच्छा, वो रिकॉर्ड तो ऐसा ही होता ना, रिकॉर्ड में घरों का रखती थी, बंदों का नहीं। अच्छा, घरों का आप रिकॉर्ड रखती थी। शादी का फिलहाल आपका कोई प्लान? कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है? अब पता नहीं कि रिश्ता नहीं आया या? जी, रिश्ते बहुत आते हैं मेरे। किस किस्म के रिश्ते आपको? हर किस्म के। नहीं, हर किस्म क्या? मंडी में बैठी हुई टमाटर लाए, मूली लाए, प्याज लाए, खीरा लाए। नहीं, मेरे वैसे रिश्ते बहुत ज्यादा आते हैं। क्या कोई खास वजह रिश्ते आने की? क्या बीमा पॉलिसी हुई है आपकी? ऐसा नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैं अपने कजन्स में सबसे ज्यादा मैं मतलब चाही जाती हूँ। वो जिसे कहते हैं ना, एक वो कजन्स में सबसे ज्यादा जो जिसको सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता हो, सबसे ज्यादा पूछा बार जाता तो इसलिए आप हंस भी खुद रही हैं इन बातों पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें सच्चाई कहाँ तक है। हाँ, मतलब जाहिर है मेरे साथ तो हुआ है, तो मैंने आपको बताना ही है। क्या हुआ था, कब की बात है ये, कितना अरसा पुराना है? मतलब उस वक्त आप सोच समझ थी या उस वक्त समझ नहीं थी आपको? किस चीज की? अभी कहा ना कि कुछ सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो किस सब तरह कुछ हुआ? से मुराद हुआ ये है कि मतलब रिश्ते वगैरह आते रहे जब से मैं वो तो ठीक है, आ गए। हुआ कब है? क्या अभी आपने कहा ना सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो नहीं, मैं ये सब कुछ कह रही थी, बाकी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, नहीं बात देखिए पूरी किया करें ना, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके साथ। जी जी, ठीक हो गया। गाड़ी कौन सी रखी हुई आपने अभी? मैंने सिविक। सिविक करोला की होती है? करोला कंपनी की है सिविक। मॉडल क्या? मॉडल 14। मॉडल है ये 14, 2014 की बात करें आप, लफ्ज़ भी बड़ा प्यारा जी, 2014। कैसा लगा आपको यहाँ पर आगे स्टूडियो में, मतलब बात करके गपशप करके कैसा महसूस कर रही हो आप? मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया है। अच्छा, और मतलब बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मैट्रिक का अगर बहुत प्यारी बातें हुई, बहुत मजे की बातें हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय किया भी होगा। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, हमसे गपशप करना चाहते हैं, तो हमसे प्लीज़ रब्ता कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे और आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, आपका प्यारा सा दोस्त इमरान। अल्लाह हाफिज़।